हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। बस अब बैक टू बैक सारे फेस्टिवल लाइन में हैं, तो नवरात्रि तो बस एकदम फाइनल हो जाता है कि बस अब तो एकदम काम पे लगना है। फ़िलहाल मैं नवरात्रि में फास्ट करती हूँ, पूरे 9 दिन का नहीं, शुरू का और लास्ट का करती हूँ। तो पहला दिन है आज, तो मेरा फास्ट है। सुबह सुबह सिद्धार्थ का टिफ़िन वगैरह बना के उसको स्कूल भेज दिया है, और हस्बैंड के लंच की तैयारी के साथ साथ मैं घर के कुछ काम में निपटाती जा रही हूँ, जैसे चीज़ों को व्यवस्थित करना, सब चीज़ें जगह पे रखना, क्योंकि ये सुबह का काम होता ही है, और बेडशीट चेंज करना। तो बेड भी बना दिया है मैंने, और खाने पीने का जो सारा काम है सुबह का वो भी निपटा के किचन भी मेरा फ्री हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कोई छुट्टी वाला दिन तो है नहीं, तो सभी को स्कूल ऑफिस वो सारा था। सिद्धार्थ स्कूल चला गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, और उनके जाने के बाद, उनके रहते रहते ही मैंने काफ़ी काम शुरू कर दिया था, जैसे बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया था, फिर मंदिर वाले रूम में झाड़ू वगैरह मैंने पहले ही कर लिया था, और अभी नहा करके मैंने नाइटी पहन ली थी, और नाइटी पहन के मंदिर वगैरह जो है साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके, पूजा के कपड़े वगैरह साफ़ करके सब मैंने रख दिए। उस पूजा के कपड़े धूप में डाल दिए थे, इतनी चटक धूप है कि वो 15-20 मिनट में ही ना, वो मतलब एकदम सूखे नहीं, लेकिन इतने हो गए कि भगवान जी के पास रखे जा सकते हैं। तो वो सब करके मैंने मंदिर वगैरह सेट कर दिया है, फूल वगैरह सब कुछ वॉश करके सब रख दिए। बस अब मुझे जाके पूजा करनी है। साड़ी पहन के ना फिर इतना नहीं हो पाता, और आज साड़ी पहनने का मन था। नवरात्रि के पहले दिन ना येलो कलर पहना जाता है, तो इसीलिए मैंने ये वाली येलो कलर की साड़ी निकाली, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, आप कैरी कर सकते हो। तो सबसे पहले पूजा करते हैं, फिर पानी पीएंगे। कौन सी बिंदी लगाऊं? अच्छा, एक चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ये मैंने ना 2-3 महीने पहले मंगवाई थी। इनमें से ना मैं कई बिंदियाँ यूज़ कर चुकी हूँ। ये एक्चुअली एक बुकलेट टाइप की है जो ऐसे आती है, इसमें डिफरेंट साइजेस भी हैं और बहुत सारे कलर हैं। ये प्लेन बिंदियाँ हैं जो हम यूजुअली लगाते हैं ना एवरीडे बेसिस पे, या फिर मुझे ज़्यादातर प्लेन बिंदी ही पसंद आती है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है मुझे लगता है। जो सितारे कड़ी वड़ी बिंदी होती है ना, वो उतर जाती है जल्दी। तो इसमें आपको ना हर वो कलर मिलेगा जो आपकी वार्डरोब में होगा। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसमें जो यूजुअल कलर्स हैं ना, जैसे मरून वगैरह हो गया, इनके ना अलग ही ऐसे सेपरेट पूरे के पूरे बिंदी दिए हुए हैं, जैसे रेड एंड मैरून, तो ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। मुझे लगता है ये वाली बिंदी ज़्यादा जाएगी, ये वाली, ये येलो है और ये हल्की लाइट येलो बेज कुछ मिक्स है, बट मुझे लग रहा है ये ज़्यादा जाएगी, लगा के देखते हैं। ठीक लग रही है, चलो भाई फटाफट पूजा कर लेते हैं। आई थिंक 9:45 हो रहा होगा अब, तो फटाफट पूजा कर लेते हैं। और इस मंदिर को जब मैं सजा रही थी ना, तो बहुत ही अजीब सा मुझे लग रहा था, क्योंकि नया मंदिर ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है हमारा, तो इस नवरात्रि के बीच ही वो आ जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि ये मंदिर अब, मतलब इतने सालों से साथ में अगर कोई चीज़ रहती है ना, तो आप बहुत जुड़ाव फील करते हो, और उसको लेट गो करना इतना ईजी नहीं होता है, तो थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था इस टाइम।
और सिद्धार्थ की अगर स्कूल की छुट्टी होती ना आज, तो उसको बहुत पसंद है हवन करना, और मेरे साथ में हमेशा वो करता है जब भी उसकी छुट्टी रहती है इन दिनों की। लेकिन आज छुट्टी नहीं थी तो मैं उसको भी थोड़ा मिस कर रही थी कि अभी रहता तो कितना खुश हो के ये मम्मा, वो बहुत पार्टिसिपेट करता है वो पूजा वगैरह के काम में, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, और छुट्टी करवा भी नहीं सकते थे एक्चुअली, उसका ना फन एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3 डेज़ के लिए, बैगलेस डेज़ हैं स्कूल में, तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है। ऑब्वियसली बैग तो लेके जाता है बट पढ़ाई लिखाई नहीं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं और फ़न हो रहा है। पानी पी लिया है लेकिन अभी चाय बनाऊंगी मैं, पूजा करते करते हो गया 10:30। तो चाय बनाने के लिए ना अभी मैंने गैस वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया, सुबह सब्जी बनाई, रोटी बनाई सिद्धार्थ के लिए, सैंडविच और कल की इडली रखी हुई थी तो उसको थोड़े से, 2 ही 3 इडली थी तो इडली फ्राई और सैंडविच उसको दे दिया था। हस्बैंड के लिए दाल पराठा और कुंदरू होता है ना उसकी भुजिया बनाई थी मैंने, तो उनको दे दिया। तो गैस अभी साफ़ नहीं है तो मैं भी थोड़ी देर बैठूंगी, अभी जो मेरी हाउस हेल्प है बस वो आने वाली होगी, तो उससे पहले बोलूंगी गैस साफ़ कर दे, फिर वो बर्तनों का काम करे, उसके बाद में बनाऊंगी चाय। ये कुछ कपड़े रह गए थे कल फोल्ड किए हुए, तो मैंने चेयर पे रख दिए थे, तो इनको मैं फटाफट अलमीरा में लगा दूंगी। एक लॉट कपड़े के मैंने मॉर्निंग में लगा दिए थे और एक लॉट मुझे अभी लगाना है, तो वो सारा जो काम है वो भी मैं करके बस फ्री हो जाऊंगी, फिर मुझे खाना बनाना है। वैसे तो मैं दोपहर के बाद, मतलब वही दोपहर के टाइम ही खाना बनाती हूँ, तो 3 बजे 4 बजे आराम से जो खाना होता है वो खा लेती हूँ। सुबह बस मैं चाय लेती हूँ और उसके साथ में चिप्स ले लिए तो ले लिए, बनाना खाना है तो मन कर रहा है तो खा लिया, लेकिन आज तो मैंने कोई फ्रूट ही नहीं खाया पूरा दिन में, सिर्फ मैंने चाय और चिप्स खाए थे। उसके बाद मैं प्लान कर रही हूँ प्रॉपर एक अच्छी थाली बनाने का। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ ज़्यादा से ऑप्शन आप लोगों को आज ही दिखा दूँ, क्योंकि 9 दिन के फास्ट तो मैं रहती नहीं हूँ, फर्स्ट रहती हूँ फिर लास्ट रहती हूँ, तो आज मैं कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे दिखा दूँ जिनमें से आप कुछ पिक करना चाहें तो वो अपने इन 9 दिनों के फास्ट में कर सकते हैं। तो कुछ 5-6 एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आप नवरात्रि में बना सकते हैं, तो पूरा एक प्रॉपर थाली टाइप का मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो उसकी तैयारी भी मुझे शुरू करनी पड़ेगी। और घर के नॉर्मल काम तो हैं ही, और सिद्धार्थ को स्कूल से भी लेने जाना है। फिलहाल मैं यहाँ पर सबसे पहला काम करने जा रही हूँ साबूदाना भिगोना, क्योंकि इसको कुछ टाइम लगता है भीगने में, सोख होने में। सिद्धार्थ को भी ना फास्ट का खाना बहुत पसंद है, कई बार मैंने बताया आप लोगों को ब्लॉग में, मैंने चाय और जो फास्ट वाले चिप्स होते हैं ना बस वही खाए थे मॉर्निंग में, और अभी मुझे कुछ भूख भी नहीं है। तो बेसिकली वो आता है 3:45 बजे तक घर आता है ना, तो उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत खाना बन जाए, ऐसा नहीं कि सारा, क्योंकि मैं आज प्लान कर रही हूँ कि मैं बनाऊंगी पूरी प्रॉपर थाली जिसमें कई आइटम होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना पूरे 9 दिन फास्ट रहते हैं, तो अगर उनको कोई रेसिपी पसंद आती है तो आगे आने वाले दिनों में उनके काम आ सकती है। तो कई छोटी छोटी रेसिपीज जो है मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे। तो सबसे पहले 1 कप यहाँ पे लिया है मैंने साबूदाना, इसको हम भिगो देते हैं, वॉश करेंगे फिर भिगोएंगे। Thank you.
एक कप से ना थोड़ा कम आपको पानी लेना है, मतलब अंदाजे से आपको रखना है कि जो आपके ये साबूदाना है ना ये हल्के हल्के ढक जाए। तो मुझे लगता है कि आधा कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा इसमें पानी पड़ेगा, बस बस इससे ज़्यादा हम पानी नहीं लेंगे। ये अच्छे से ढक गए हैं, बस इसको ढक के हम 1.5 से 2 घंटे छोड़ देंगे। कितना भी कोई भी साफ़ सफाई से बर्तन वगैरह करे, लेकिन फिर भी व्रत के टाइम में ना मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखती हूँ। जैसे कुकर में मैंने नीचे हाथ लगा के अच्छे से देखा, कई बार नीचे की तरफ ना दाल वाल के छींटे नहीं रह जाते हैं, नहीं साफ़ होते हैं, तो अच्छे से देख के फिर मैंने उसमें आलू डाले। उसके बाद फिर मैंने देखा कि जो इसकी लिड है, ढक्कन है, ना ही उसका रबड़ हटाया था ना ही उसकी सीटी हटाई थी, वैसे ही उसको धो लिया था। तो फिर रबड़ हटाई मैंने, सीटी हटाई, तो उसके अंदर ऑब्वियसली रेसिड्यू रहता है। अगर आप रबड़ सीटी हटा के अच्छे से ढक्कन ना मांजो तो जो भी आपने बनाया होगा उसका कुछ ना कुछ रेसिड्यू लगा रह जाता है। दाल बनाया था लास्ट मैंने, अभी सुबह ही हस्बैंड को दिया दाल बना के इसी कुकर में, तो इसीलिए फिर मैंने उसको हटाया, अच्छे से ब्रश लगा के बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को मांजा और फिर मैंने इसमें आलू चढ़ाए हैं। और वैसे भी मेरी आदत है फास्ट वगैरह के टाइम में ना सारे बर्तन में एक बार वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। कुछ भी यूज़ कर रही हूँ, चाहे वो ताज़ा धुला हुआ है, चाहे किसी और के हाथ का धुला है, चाहे खुद के मेरे हाथ का धुला हुआ है। लेकिन होता क्या है कि ना हम जब फास्ट वगैरह में नहीं रहते हैं तो हम उतना ध्यान नहीं देते, कई बार हाथ में आटा लगा है, कुछ लगा है, चीज़ों को छू लिया, वो पता तो नहीं है, दिख तो नहीं रहा है विजिबली उतना, बट वॉश करके यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस मैं वही करती हूँ। और ये नल शायद आज धुला नहीं था तो इसको भी मैंने अच्छे से मांज दिया और इसको अच्छे से वाइप कर दिया ताकि ये भी रेडी हो जाए। और कल के दिन ही ना मैंने कुछ ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था, तो उसके साथ में मैंने व्रत का सारा सामान कल ही ऑर्डर कर दिया था और इसको अलग से मैंने बैग में करके रखा हुआ था। तो सारी चीज़ें जिनसे मैं खाना बनाने वाली हूँ वो सब चीज़ें मैंने न्यू मंगाई हैं, हमेशा नया पैकेट मंगा लेती हूँ और इनको मैं साइड में रख रही हूँ। जो पैकेट मुझे गंदे से लगे वो मैंने धो दिए, जो ऐसा लग रहा था धोने से उनके अंदर कुछ पानी वानी चला जाएगा उसको मैंने वाइप कर दिया था फिर। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले रोस्ट करने का काम स्टार्ट किया, जो जो चीज़ें मुझे रोस्ट करनी है वो कर रही हूँ। जैसे जीरा, ये चाट की तरह दही का जो मैं आइटम बनाने वाली हूँ उसके लिए चाहिए, तो मैंने अच्छे से जीरा ब्राउन करके रोस्ट कर लिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद सेम पैन के अंदर ही मैंने यहाँ पे पीनट्स भी रोस्ट कर ली हैं, इनका भी मुझे काम है। और पीनट के रोस्ट होने के बाद मैं इसमें ड्राई रोस्ट करूँगी मखाने को भी। सिद्धार्थ को ना स्कूल से लेकर आना है तो उसको तो लंच चाहिए ही रहेगा, तो इसीलिए जब व्रत का खाना बनता है ना तो वो व्रत का ही खाना खाना चाहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो पनीर की सब्ज़ी और कुट्टू की पूड़ी मैं उसके लिए पहले बना देती हूँ और बाकी की जो थाली है वो मैं बाद में आराम से बनाऊँगी। तो चलिए पहले पेस्ट तैयार करते हैं टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया का। ये जो है ना फास्ट में मेरी एकदम एक फेवरेट सब्ज़ी है, कभी मैं इसे पनीर के साथ, कभी आलू के साथ, कभी आलू और पनीर दोनों मिक्स करके बनाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। तो जो चीज़ें मैंने दिखाई उसका मैंने पेस्ट कर लिया मिक्सी में। उसके बाद घी डाला है 1 बड़ा चम्मच, इसके अंदर जीरा का मैंने छौंका दिया है, उसके बाद ये पेस्ट इसमें डाल दिया है। इतनी बढ़िया खुशबू आती है ना, और इसको अच्छे से आपको भून लेना है। उसके बाद अगर आप लाल मिर्च वगैरह खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। फिर मैंने लगभग 1.5 टेबल स्पून कर्ड दही जो है वो इसके अंदर डाला है, उसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लिया है और फिर पानी वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगी, ग्रेवी के लिए एक आलू या आधा आलू कुछ भी आप ले लीजिए, थोड़ा सा इसको मैश कर लीजिए और इतना मैश कर लीजिए कि मतलब ये एकदम ग्रेवी बन जाए। ये जो व्रत की सब्ज़ी है एकदम पतली पतली बनती है, क्योंकि हम बेस के लिए आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा दही इसमें यूज़ करना या बहुत सारे टमाटर यूज़ करना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं एकदम पतली पतली वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। तो बस यहाँ पर पनीर ऐड कर दिया, अब सेंधा नमक ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे। बहुत सारे लोग
फास्ट में ना ये टमाटर भी नहीं खाते हैं, तो आप इसको सिर्फ धनिया हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बना लीजिए और उसको फिर दही के साथ मिक्स करके आप उसका बेस बना सकते हैं। टमाटर भी स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर सॉल्ट भी ऐड कर दिया है अच्छे फ्लेवर के लिए। और हरी मिर्च मैंने पीसी थी इसलिए नहीं डाली है ऐसे खड़ी खड़ी ऊपर से, लेकिन आप हरी मिर्ची ऐसे कट करके भी डाल सकते हैं जैसे मैं धनिया कट करके डाल रही हूँ। फिर खूब सारा हरा धनिया डालिए। और ये एकदम पतली पतली सी सब्ज़ी आपको कुट्टू की पूड़ी के साथ, राजगिरे के आटे की पूड़ी के साथ, या फिर साबूदाने की पूड़ी या कुछ भी बनाते हैं उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। इवन साबूदाने की खिचड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं ना कुट्टू की पूड़ी बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आलू छील लिए मैंने। वैसे तो कुट्टू की पूड़ी जैसे बनती है बस वही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ इसमें, बट बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर देती हूँ। आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, उसमें हरी मिर्ची हरा धनिया कट करके डाला है, ब्लैक पेपर आप डाल सकते हैं, सेंधा नमक जाएगा इसमें, फिर कुट्टू का आटा जाएगा और बस आप इसको मिक्स कर दीजिए। और इसको ना मैं उस पर चकला बेलन पे बेल के नहीं बनाती हूँ, मैं इसको हाथों से ही शेप करके बनाती हूँ। और फ्राइंग जो मैं करने वाली हूँ वो पीनट ऑयल में करने वाली हूँ, तो आप पीनट ऑयल में भी कर सकते हैं व्रत का खाना, या फिर आप देसी घी में भी कर सकते हैं। तो फ्राइंग के लिए ना मैंने ब्लिंकिट से ही पीनट ऑयल मंगा लिया था। तो यहाँ पे तेल मैंने चेक कर लिया है, और देखिए हाथ से भी बनाने से ना कितनी पतली पतली पूड़ी बनके तैयार हो जाती है, आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो मुझे कुट्टू के आटे की ना थोड़ी मोटी मोटी पूड़ी पसंद है, हमेशा मैं मोटी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो पतली पतली पूड़ी बनाते हैं। तो ये लग रही है ना एकदम जैसे बेली हुई हूँ, लेकिन इसको हाथ से ही मैंने शेप दे के किया है। तो पूड़ी भी बन गई थी, और फिर लंच सिद्धार्थ ने कर लिया था, उसको मैं इस बीच में स्कूल से लाने भी गई हूँ, तो बीच में गैप भी होता जा रहा है जो कि ऑब्वियसली वीडियो में पता नहीं चलता है। उसके बाद फिर मैं लगी और चीज़ें बनाने में, प्रिपेयर करने में। तब तक जो हमारा साबूदाना है देखिए अच्छी तरीके से फूल गया था, इसमें बिल्कुल भी पानी भी नहीं बचा है और सारे ग्रेन बहुत अच्छी तरीके से फूल गए। तो अभी हम यहाँ पे दो फ्राइड चीज़ें बना रहे हैं, डीप फ्राइड चीज़ें बना रहे हैं, जिसकी तैयारी मैं एक साथ करके रख लूँगी और फिर एक ही बार उनको फ्राई करूँगी। सबसे पहले हम बना रहे हैं साबूदाना वड़ा। इसके लिए मैंने एक प्लेट में साबूदाना निकाला है, आलू ले लिए हैं और इनको कद्दूकस कर लिया। लगभग 3 मैंने आलू लिए थे यहाँ पे छोटे साइज़ के। फिर इसमें मैंने ऐड किया है छोटा छोटा कट करके हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर आप डाल सकते हैं, कच्चा जीरा आप इसमें ज़रूर डालना, मस्ट है कच्चा जीरा, बहुत अच्छा लगता है वो फ्राई होने के बाद। बस सारी चीज़ों को अच्छे से आपको कर देना है मिक्स और एक डो जैसा बना लेना है। इसमें एक चीज़ बची थी जो कि था पीनट। पीनट आप ना कच्चा पीस के भी इसमें डाल सकते हो, फ्राई तो होना ही है, लेकिन मैंने तो रोस्ट कर लिया था पीनट, तो वो पीनट मैं अभी पाउडर बना के वो भी ऐड करूँगी। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें मिला करके साइड में रख दिया है, उसका पाउडर बना करके फिर मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी फ्राइंग से पहले। दूसरा जो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक और मैं फ्राइड आइटम बनाने वाली हूँ, तो वो मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे के पकौड़े। फास्ट में अगर पकौड़े वगैरह खाने का मन हो तो आप खा सकते हैं इसको, आप हरे धनिया की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ में। तो इसके लिए हम कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 आलू मैंने लिए हैं, छोटे छोटे साइज़ के ही हैं ये, और इनको आप अपनी मनचाही शेप में चाहे तो गोल करके काट लीजिए, या जैसे मैं कट करने वाली हूँ वैसे कट कर सकते हैं, या फ्राइज़ की तरह कट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी इनको कट करके अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, और इसका सारा पानी जब निकल जाए ना अच्छी तरीके से, तब आपको इसे आटे में मिक्स करना है। दूसरी तरफ एक बाउल लिया है मैंने, जिसके अंदर हरी धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक, ये सब आपको डालना है। इसी के अंदर हम आलू ऐड कर देंगे और कुट्टू का आटा ऐड कर देंगे। तो व्रत में तो बहुत ही स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जीरा यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं, सेंधा नमक कर सकते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर भी ऑप्शनल है, बहुत से लोग खाते हैं या नहीं खाते, तो उसके हिसाब से वही सारी चीज़ें हर रेसिपी में जानी है। बाकी आपको पकौड़े तुरंत नहीं बनाने, ये सब मिक्स करके आप रख दो, क्योंकि फिर ना वो पानी छोड़ता है ना आलू, तो वो कुट्टू के आटे में
को अपने ऊपर अच्छी तरीके से ना चिपका लेगा, तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने उसको अलग रख दिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हमने जो ये साबूदाने के वड़े के लिए प्रिपरेशन की थी ना, इसमें जो एक स्टेप रह गया था वो था मूँगफली का पाउडर मिलाना, वो भी मैंने मिला लिया अच्छी तरीके से। बस आप इनके वड़े बना लीजिए और तेल में इनको फ्राई कर लीजिए, मीडियम हाई फ्लेम पे आप फ्राई कर सकते हैं। वड़े मैंने ऑलमोस्ट सारे फ्राई कर लिए हैं और ये जो कुट्टू का आटा हमने मिक्स करके रखा था आलू के अंदर, तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मॉइस्चर आ गया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि लगभग एक चम्मच तक, एक छोटा चम्मच तक पानी इसमें ज़रूरत है, तो फिर अब मैंने वो डाल लिया है, अदरवाइज़ ये बहुत गीले गीले से हो जाएंगे। तो दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो जैसे हम बेसन के बनाते हैं ना पकौड़े, तो हम घोल बना लेते हैं, वैसे बना सकते हैं, बट ये तरीका अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे पकौड़े क्रिस्पी बहुत बनते हैं, एकदम वैसे वाले जिनसे क्रंच आ जाता है ना, बिल्कुल वैसे क्रिस्पी क्रिस्पी ये बनते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही बनाना पसंद है इनको। बस इनको हम फ्राई कर लेंगे, एक एक करके ऐसे डालिए, और कोटिंग किसी पे कम होगी किसी पे ज़्यादा होगी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे इनको प्लेस कर दीजिए और इनको फ्राई कर लीजिए, या आप हाई फ्लेम पे भी, मतलब मीडियम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो सही रहेगा। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इनको पकने में, क्योंकि आलू कच्चे होते हैं ना, तो जैसे आलू के पकौड़े हम बेसन वाले बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, इसमें भी लगेगा, बट बहुत टेस्टी ये बन के तैयार होंगे और इनको आप चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। साबूदाना के वड़े भी बन गए और आलू और कुट्टू आटा के पकौड़े भी बन गए, तो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों दिखने में। बीच में चटनी होती तो बहुत अच्छा होता, बट मेरे पास ना धनिया बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी धनिया थी, और मैंने हर रेसिपी में खूब खूब धनिया यूज़ करके लास्ट तक ख़त्म कर दिया सारा, तो चटनी के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो जो पकौड़े थे वो खूब क्रिस्पी हुए थे, और ये जो वड़े होते हैं ना ये फूल जाते हैं ऐसे पूड़ी की तरह ना, बीच में से मैंने दिखाया अभी आपको, फूले फूले से होते हैं, तो अंदर से बड़े सॉफ्ट होंगे ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे। तो चलिए चलते हैं एक मीठी चीज़ की तरफ, बहुत सारे लोगों को मीठा खाना पसंद होता है फास्ट के दिन, या मीठे की कुछ क्रेविंग हो, जो 9 दिन फास्ट रहते हैं उनको तो 9 दिन कंट्रोल करना होता है, लेकिन हाँ एक टाइम जब वो खाना खाते हैं तो वो अपनी क्रेविंग के हिसाब से खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, ये अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके, किसी एक चीज़ की खीर नहीं है बल्कि 3 चीज़ों का ये मेल है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप मैंने क्या किया है यहाँ पे, और अभी तक वही कर रही हूँ, कि मैंने एक नॉनस्टिक पैन के अंदर लिया था 2 बड़े या 2.5 बड़े चम्मच तक देसी घी रहा होगा, और इसमें एक आलू मैंने डाला था उबला हुआ, और अच्छे से इसको मैश करते हुए कम से कम 4 to 5 मिनट्स आपको मीडियम लो फ्लेम पे या मीडियम हाई फ्लेम पे, जैसी क्वांटिटी हो उसके हिसाब से इसको भूनते रहना है। और जब आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आलू में से आने लगे, थोड़ा सा कलर भी उसका चेंज हो जाए, फिर आप इसमें सोक किए हुए साबूदाना ऐड कर देंगे, और साबूदाना को भी आपको 1 मिनट तक भूनते रहना है। ये जो आलू है ना बहुत अच्छी थिकनेस, मिठास और इतना अच्छा फ्लेवर ऐड करेगा ना दूध के अंदर, पता भी नहीं लगेगा आपने आलू डाला है, लेकिन ये अपना कमाल जो है वो कर जाएगा। तो ये स्टेप ज़रूर करें आलू वाला, और इसको खूब अच्छे से भूनें। उसके बाद मैंने दूध डाल दिया इसमें, 1/2 लीटर दूध है, और दूध की जो थैली थी उसको वॉश करके लगभग 1/2 कप तक मैंने पानी भी इसमें ऐड किया है, और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इधर उधर बिज़ी हो गई और ये उबल गया, तो ढकना तो थोड़ा ध्यान से ढकना, थोड़ा सा जो है दूध इधर उधर हो गया, फिर मैंने पीछे वाले पे चढ़ाया, इस पे ढक दिया, इस पे भी थोड़ा सा स्पिलेज हो गया आप देख सकते हो। तो एक्चुअली जो हाउस हेल्प है वो आई हुई थी, उससे कुछ कुछ बात करने में ना ये सारा कुछ हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दूध का। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या क्या ऐड किया है, जब ऑलमोस्ट मुझे लगा कि ये खीर पक चुकी है, तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है चीनी, लगभग 2.5 से 3 चम्मच बड़े चम्मच तक चीनी ऐड कर दी है, फिर मखाने ऐड कर दिए हैं। मखाने ना बहुत यमी टेस्ट देते हैं इस खीर के अंदर, तो थोड़े से भुने हुए मखाने या कच्चे मखाने भी आप ऐड कर सकते हो, तो वो डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए 1 या 1.5 मिनट तक और आपकी खीर जो है वो बन के तैयार हो गई है। और चलिए बनाते हैं एक बहुत यम्मी सा रायता, वैसे आप खीरे का रायता भी बना सकते हो,
सिंपल रायता भी, मतलब दही रख सकते हो जीरा वगैरह डाल करके। लेकिन आज मैं बना रही हूँ मखाने का रायता। तो जो मखाने हमने शुरू में रोस्ट किए थे उसमें से थोड़े मखाने हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने दही लिया, इसके अंदर एक बड़ा चम्मच मैंने शक्कर का डाला है। जैसे हम पंचामृत बनाते हैं तो उसमें वो जो मिठास और मखाने का जो टेस्ट होता है कितना अच्छा आता है, तो ये जो रायता है ना ये थोड़ा खट्टा मीठा सा बनेगा, मतलब दही की खटास और चीनी की मिठास और थोड़ा नमक भी पड़ेगा। तो नमक और काली मिर्च भी मैंने इसमें डाल दिया है, और भुना हुआ सिका हुआ जो जीरा हमने शुरू में बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं मखाने, और आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर मूंगफली का जो पाउडर था वो भी ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब ये जो मखाने का रायता है ना, इसको आप कम से कम एक घंटा खाने से पहले बना के रखना। एक घंटे बाद ये बहुत अच्छे से सोक हो जाता है दही के अंदर, मखाने एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद इसे खाने का मज़ा आता है। सब चीज़ें हो चुकी थी, मैंने सोचा था कि जो पूड़ी या रोटी या पराठा जो भी मैं बनाऊँगी वो मैं रात में बनाऊँगी। शाम को जब पूजा का समय हुआ तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मतलब साड़ी हटा दी थी, क्योंकि दिन भर आप उसको पहने रहते हो। और अच्छे से हाथ पैर धो के उसके बाद फिर मैंने शाम की दिया बाती करी और फिर से मैंने साड़ी पहन ली थी। तो अभी बस दिया बाती कर रही हूँ शाम की। और चलिए जो लास्ट आइटम बचा है उसको भी बना लेते हैं। हम बना रहे हैं यहाँ पे पराठे की तैयारी कर रहे हैं, साबूदाना के पराठे। तो आप कुट्टू के आटे के पराठे, पूड़ी बना सकते हो। पूड़ी तो मैंने दिखाया ही, पूड़ी जो है मुझे कुट्टू के आटे की वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, दी बेस्ट लगती है। ज़्यादातर मैं वही बनाती हूँ या राजगिरे के आटे की पूड़ी बनाती हूँ, बट आज मैंने कोशिश की पराठे बनाने की। तो यहाँ पे साबूदाना को ड्राई रोस्ट कर लेना है आपको 4 से 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा ठंडा करके आपको इसे मिक्सी में पीस लेना है। थोड़ा सा ना मैं इसमें कुट्टू का आटा भी मिला रही हूँ, बट ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर मिलाई काली मिर्च, आलू ग्रेट करके डाल दिए हैं, नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सब चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आटा गूंथ के मैंने तैयार कर लिया है और बस इससे हम पराठे बना लेंगे। तो आज मैंने यही खाना बनाया था, काफ़ी ज़्यादा खाना बन रहा था, तो आज मतलब व्रत तो सिर्फ मेरा है लेकिन सब लोग यही खाना खाने वाले हैं। सिद्धार्थ को तो वैसे ही पसंद है, हस्बैंड भी मैनेज कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ और खाने के लिए नहीं बनाया। डिनर के लिए यही खाना सब लोग खाने वाले हैं। और यहाँ पे बस आपको देसी घी लगा लगा के पराठे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेने हैं। और बस यहाँ पे थाली हमने सजा दी है। कैसी लगी आपको थाली? कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझसे बताइएगा ज़रूर। और फिर से एक बार सभी को हैप्पी नवरात्रि, दशहरा, सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके त्यौहार खूब अच्छे बीतें। और चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।